ब्रेक छोड़ो, ब्रेक पे सिर्फ उंगलियां रखो बस, और आगे देखो, हैंडल और एक्सीलेटर को नहीं देखना है, उस वजह से भी बैलेंस ये नहीं होता है। और ट्राई करो पैर हवा में आए। आप कंफर्टेबल बैठे हो? हाँ, मतलब कंफर्टेबल कैसे होता है पता है? दोनों पैर एक तो हवा में या फिर दोनों पैर नीचे, तो ही आप कंफर्टेबल हो, वरना एक पैर नीचे और एक पैर हवा में ऐसा होगा तो कंफर्टेबल नहीं होगा। नहीं नहीं, ब्रेक ब्रेक करो, ब्रेक करो, चलते चलते पैर रखने हैं, और फिर जब आप पैर रखोगे ना तो एक्सीलेटर कंटिन्यू रखना है। आपका अभी क्या हुआ, आपने पैर रखे लेकिन एक्सीलेटर बढ़ा दिया, इसलिए बैलेंस चला गया। पहले कंटिन्यू करो, हाँ करो, कंटिन्यू रहने दो, एक राउंड ऐसे ही लो कंटिन्यू करके एक्सीलेटर। एक्सीलेटर कम नहीं करना है और आगे देखना। धीरे 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 धीरे, धीरे धीरे, पैर से मत चलो, एक तो पैर हवा में रखो या फिर दोनों पैर ऐसे नीचे रख के एक्सीलेटर कंटिन्यू रखो। हेलो ऑल, ये मेरे न्यू स्टूडेंट हैं, इनका डे 3 या 4 है, और इनका ये प्रॉब्लम हो रहा है कि जब अभी आपने देखा होगा कि उन्होंने ट्राई किया पैर ऊपर लेने के लिए, लेकिन उनका एक्सीलेटर बढ़ गया इसलिए बैलेंस चला गया। जब भी आप सीखते हो तब एक्सीलेटर कंटिन्यू करना है, और फिर धीरे धीरे पैर ऊपर लेने हैं और एक्सीलेटर कंटिन्यू रखना है, आगे देखना है, हैंडल या एक्सीलेटर की तरफ नहीं देखना है, और आपको कंफर्टेबल भी बैठना है। जैसे कि अगर आप कंफर्टेबल बैठते हो, जैसे आपके पैर एक तो हवा में आने चाहिए या फिर दोनों ज़मीन पे, एक पैर हवा में एक पैर ज़मीन पे, ऐसा रहेगा तो आप कंफर्टेबल बैठे नहीं हो। ये मुझे भी समझ में आता है और आपको भी ये समझ में आनी चाहिए ये चीज़, तो आपको कंफर्टेबल, पहले कंफर्टेबल बैठना है और आगे देखना है, हैंडल और एक्सीलेटर की तरफ नहीं देखना है, तो ही आप स्कूटी अच्छे से हैंडल कर सकते हो, अच्छे से चला सकते हो, और एक्सीलेटर भी कंटिन्यू रख सकते हो। एक्सीलेटर कंटिन्यू रखो। अभी ट्राई कर रहे हैं एक्सीलेटर कंटिन्यू रखने का, लेकिन उनका एक्सीलेटर कंटिन्यू नहीं हो रहा है, कम ज़्यादा हो रहा है या फिर बहुत ज़्यादा हो रहा है। आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, आपको और कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये भी मुझे बताना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना।